देखो सारे मेहमान आने शुरू हो गए, उनके लिए स्नैक्स और जूस की व्यवस्था करो। जी हुकुम। जल्दी जाओ। आप लोगों को किसी और चीज की आवश्यकता? अरे पद्मिनी, महाभोग की तैयारी हो गई ना? रुको, देवी माँ की पूजा करने का हक सिर्फ इंसान को है। माँ को भोग हम चढ़ाएंगे, आप जाइए यहां से। कुंवरसा, आप चलिए यहां से। क्या बात है सितारा? चलिए ना कुंवरसा, चलिए। आइए कुंवरसा। क्या हुआ ये? तुम स्टोर रूम में लेकर आई हो मुझे? कुंवरसा, एक बहुत जरूरी काम है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप मेरी मदद करोगे? मतलब क्या काम है बताओ। कुंवरसा, मुझे किसी पर शक है कि वो आपको विषपुरुष बना रहा है, बस उसी का सबूत चाहिए मुझे। विषपुरुष? तुम क्या बोल रही हो सितारा? ये क्या कर कर रही हो तुम ये? हाँ कुंवरसा, जो मैं करने जा रही हूँ उससे अभी आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कल ये दर्द ना हो इसलिए आप ये दर्द बर्दाश्त कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए कुंवरसा। सितारा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम तकलीफ होगी आगे तकलीफ ना हो, तुम कर क्या रही हो, मुझे कुछ बताओगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझ पे भरोसा है। खुद से ज्यादा और जितना भरोसा है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार है तुमसे। सोचा था शादी के बाद वो हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कहानी लिखेंगे हम, लेकिन पता नहीं कैसे ये विष कन्याओं और विष पुरुष के चक्कर में पड़ गए हम। बस मैं ही चाहता हूं कि सब कुछ ना पहले की जैसे नॉर्मल हो जाए। मैं वादा करती हूँ कुंवरसा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ। बोलो चाचे दरबार की जय। जागरण शुरू होने वाला है कुंवरसा, मुझे जाना होगा। पहले प्रॉमिस करो, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर हम ये हैप्पी फैमिली वाला सपना मिलके पूरा करेंगे। प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी सितारा। मैं ये संकल्प लेती हूँ कि कुंवरसा के ठीक हो जाने के बाद और इन विष कन्याओं से आप सबको मुक्ति दिलाने के बाद मैं सितारा ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। प्रॉमिस मी सितारा, हम हमेशा साथ रहेंगे।
ठीक वर्षा, मैं आपको छोड़ के कहां जाऊंगी? मुझे जाना होगा कुर्सा, जाकर में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब जब हमारा सच सबके सामने आ गया है, मुझे पूरा विश्वास है सितारा हम पे वार करने की कोशिश जरूर करेगी। इसलिए हमें हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हाँ दीदी, वैसे भी वो बच्ची आज हमारा पूरा काम करने ही वाली है। बहुत जल्द विराज को उसकी पूरी शक्तियां मिल जाएंगी और फिर वो सितारा जैसी शक्तिशाली विश्वकन्या का मुकाबला कर पाएगा।